भूतेश्वर महादेव मेले काफी तक काट कर किया उद्घाटन। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में 5 किलोमीटर दूर उपखंड की ग्राम पंचायत बरई स्थित भूतेश्वर महादेव मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि व समाज सेवी मुन्ना लाल गोयल द्वारा फीता काटकर किया गया। मंदिर पुजारी सियाराम शर्मा द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया गया। समाज सेवी मुन्ना लाल गोयल ने कहा कि मेला भारतीय संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। इसके माध्यम से हमारी संस्कृति को मजबूती मिलती है, वहीं लोगों को मेल मिलाप के साथ जरूरत की चीजों को खरीदने का भी मौका मिलता है। इस दौरान सुरेश चंद गोयल, हजारी मित्तल, ब्रजकिशोर गर्ग, ब्रजभूषण शर्मा सहित मंदिर के संत व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सेपो डीएसपी राव आनंद कुमार को किया एपीओ। धौलपुर जिले के सेपो में तैनात सीओ राव आनंद कुमार के खिलाफ पुलिस मुख्यालय राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की गई है। महानिदेशक पुलिस राजस्थान की ओर से आदेश जारी करते हुए सीओ आनंद कुमार को एपीओ किया गया है। धौलपुर के एडिशनल एसपी मनोज शर्मा ने बताया कि महानिदेशक पुलिस राजस्थान के द्वारा सीओ राव आनंद कुमार को प्रशासकीय आधार पर कार्रवाई के बाद पुलिस मुख्यालय जयपुर में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सेपो में उनका करीब 4.5 माह का कार्यकाल रहा है। दरअसल गत समय सांसद बाबा बालकनाथ और सीओ राव आनंद कुमार दोनों आमने सामने हुए थे। अलवर के पुलिस थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए हंगामे का एक वीडियो कुछ समय पूर्व वायरल हुआ था, जिसको लेकर जांच विचाराधीन थी। इसी प्रकरण को लेकर सीओ राव आनंद कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। हालांकि महानिदेशक पुलिस राजस्थान के द्वारा जारी किए गए आदेश में प्रशासकीय आधार पर कार्रवाई की गई है। सीओ को अचानक से एपीओ करने से चर्चा का बाजार गर्म हो गया। सांसद भजनलाल जाटव ने संसद में उठाई करौली व धौलपुर क्षेत्र की समस्याएं। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने लोकसभा में रेल से संबंधित समस्याओं को गुरुवार को संसद में जोरदार तरीके से उठाया। इस दौरान सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को भी पुरजोर तरीके से संसद में उठाया। इस दौरान सांसद भजनलाल ने संसद में क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। सभापति महोदय, भारत देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद रेलवे पूरे हिंदुस्तान में किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अंग्रेजों ने ही एक रेल का स्थापित की, परंतु उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जो रेलवे के अंदर अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं उसी का नतीजा है कि आज रेलवे का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है ये कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूँगा, उन महान नेताओं को भी नमन करना चाहूँगा जिस इस रेलवे को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे वो पंडित नेहरू हों, श्री गोपाल स्वामी हों, श्री लाल बहादुर शास्त्री और बाबू जगजीवन राम जी, जिन्होंने इस रेलवे को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाई, चाहे उस समय के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, जिन्होंने तमाम रेलवे की लाइनें बिछाई। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ था यहां पर रेलवे का कोई पार्ट नहीं बनता था, परंतु उस समय के सरकार ने रेलवे के सभी यंत्रों को, रेलवे इंजन हो या डिब्बे हो या कोई और वस्तु, इन सभी का निर्माण अधिकांश तौर पर विदेश में होता था। पहले रेलवे के इंजनों के लिए फ्रांस से समझौता किया गया था, परंतु उसके बाद में फ्रांस ने ये टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर दी। उसी का नतीजा है कि रेलवे की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूँ, पहले जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमें पता लगता था आम बजट से ज़्यादा रेलवे के बजट को ज़्यादा सुना जाता था। अब धीरे धीरे पिछले 10 सालों के अंदर रेलवे के बजट में जो कटौती की गई है और जिस तरह से उसका स्तर गिरा गया है, ये बहुत ही दुखदायी है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आए दिन रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत दुखद विषय है। आए दिन कहीं ना कहीं रेल दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले एक साल के अंदर सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जिससे जनता के मन में भय और वातावरण बन गया। मैं इस अभी जो सरकार बनी है, इसी नई सरकार के शपथ लेने के बाद 2 महीने में कम से कम 3 बड़ी
रियल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी जनहानि हुई है। मानवर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जब कोई गलती होती थी अपना सुझाव दे दें। मैं सुझाव दो मिनट में सुझाव ही दे दूंगा। मानवर पहले कोई गलती होती थी तो कहीं ना कहीं उस तरह का कोई ना कोई काम उस तरह जिम्मेदारी ली जाती थी। मैं उस समय के सम्माननीय हमारे जो रेलवे मंत्री थे, जब घटना घटी रेलवे मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें जनता में रेलवे में एक भरोसा कायम हुआ था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि समय नहीं है, बोलने के लिए तो बहुत सब कुछ है। और हमारे रेल मंत्री राजस्थान से आते हैं, वास्तविक स्थिति को ये भी जानते होंगे। सीधा मैं अपने जो एक विधानसभा मेरा लोकसभा क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है, और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति मानवर बहुत हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के लिए जो एक बहुत तीर्थ स्थल है, करौली के अंदर कैला देवी, महावीर जी, बालाजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक परियोजना चल रही है वहां पर धौलपुर से करौली बाया गंगापुर। आज उस योजना के लिए शिलान्यास हुआ 7 फरवरी 2013, जो मेरी लोकसभा क्षेत्र धौलपुर जिले से सरमथरा में हुआ। महोदय, इस योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले को करौली से होते गंगापुर से जोड़ना था। माननीय सभापति महोदय, इस परियोजना को धौलपुर से सरमथरा जोड़ना था, जिसका केंद्र सरकार के बजट द्वारा जारी कर दिया, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। पहले फेज पर धर्मत्रा से जोड़ना था, लेकिन पहाड़ी तक ही काम पूरा हुआ है। मानवर एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर थोड़ा सा इशू है, और एक तीर्थ स्थल से कैला देवी से लेके महावीर जी तक, और महावीर जी से लेके बालाजी से बालाजी तक, और बालाजी से लेके बांदी को तक इस रेल परियोजना का जोड़ा जाए। मानवर मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरा गृह जिला भरतपुर है, वहां के मुख्यमंत्री हमारे भरतपुर के हैं। रेलवे कोच हमारा बंद है, जो सिमको फैक्ट्री के नाम से बंद था, उस रेलवे कोच को पुनः चालू किया जाए। माननीय चंद्रशेखर जी, मानवर एक मिनट है बस, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं जहां से दो बार विधायक रहा हूं, एक रेलवे लाइन की मैं मांग करता हूं, ब्याना से लेके बैर से लेके जिससे आम जन को आगरा से आने वाले हजारों यात्रियों को उनका लाभ मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभापति जी। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओम धीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103-402-187। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर, सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला, RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर। अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजुहब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111।
बिजली संकट को लेकर कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गांधी पार्क धौलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस धौलपुर के महासचिव धनेश जैन ने बताया कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के पश्चात प्रदेश सरकार आम जन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल रही है। बिजली संकट, अघोषित बिजली कटौती, बिजली बिल में फिक्स चार्ज की दरों में बढ़ोतरी, पेयजल संकट, प्रदेश में चौपट कानून व्यवस्था के कारण फैली अराजकता के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में धरना और विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने बजट पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाया है तथा आम जन बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रदेश में आम जन बिजली कटौती, बिजली बिल में फिक्स चार्ज की दरों में बढ़ोतरी, पेयजल संकट से आम जन परेशान है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धर्मेंद्र शर्मा व अमित मुदगल ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता पार्षद राजकुमार भरद्वाज, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सरपंच वीरेंद्र सिंह जादौन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष सीबू लोधा, मदरसा बोर्ड संयोजक सुलेमान फारूकी, मुन्ना अब्बासी, आजाद मिर्जा, जिला सचिव लीना शर्मा, सेवा दल बॉबी जगरिया, कांग्रेस सेवा दल रोशनी सिवहरे, आरती सिवहरे, पार्षद आनंद मिश्रा आदि मौजूद रहे। राष्ट्रगान के साथ धरने का समापन हुआ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धौलपुर भी उन समस्याओं से अछूता नहीं है जो राजस्थान के अंदर, यहाँ पर चंबल नदी है, उससे पानी पूर्ण विकास होता है। भरतपुर को पानी जा रहा है, अलवर को जा रहा है, लेकिन धौलपुर अछूता है। यहाँ पर थर्मल पावर है, इस बिजली की सप्लाई सब जगह हो रही है, लेकिन धौलपुर अछूता है। यहाँ ब्रॉडगेज है, सब जगह लाइनें जा रही हैं, काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अछूता है। तो इस तरह की जो सुविधाएं मिली हैं वो यहाँ के लिए हैं। आज अशोक गहलोत की सरकार ने जितना भी काम किया वो आप सबसे है, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे आपके मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने दिया। आज उन सब योजनाओं को बंद करने में लगी हुई है। सुधांशु फंड चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के बनाए गए हैं, वो आप जानते हैं किस कैडर से आए हैं। उनको दो ठगों ने यहाँ भेजा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। वो इनको भजन लाल को काम नहीं करने दे रहे हैं। भजन लाल एक नई नवेली की तरह से हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ जानते नहीं है, ना उनकी वो कोई ऊपर सुने ना नीचे सुने। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ने ये टोकन दिया है कि आप आ जाओ उसमें, नहीं तो ये हम हटेंगे नहीं। पहले भी हमने आंदोलन किए हैं, आइंदा भी करेंगे, जेल जाएंगे, हटने का काम नहीं है। इन्हीं आशाओं के साथ आपने पुनः यहाँ मुझे बुलाया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर जिला स्तर पर पूरे राजस्थान के अंतर्गत हमारी जो मूल सुविधाएं हैं उनके पक्ष में, जो मूल सुविधाओं का इस सरकार ने अभाव रखा है। सरकार ने जिला लेवल पर 7-8 माह पूर्ण होने पर किसी भी प्रकार का बजट का पैसा नहीं भेजा है। हमारी ट्रेजरी खाली पड़ी है। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत बिजली से संबंधित सामान, डीपी कुछ भी नहीं है। और जो हमारे अशोक गहलोत जी ने चार्जेज जो फ्री किए थे उनको मूल रूप से चार्जों के द्वारा लागू कर दिया गया है। और पानी से संबंधित भी हमारी जो सुविधा है वो भी सामान के अभाव में हमारे जिले में निश्चित रूप से समस्या बनी हुई है। हम सरकार के कान खोलने के घूमे बह रही, सरकार की आवाज सुनाने के लिए, मूलभूत सुविधाओं को पुनः बहाल करने के लिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा ये आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है उनके अध्यक्ष अखिल भारतीय की अध्यक्षता में। ये बिजली पानी को लेकर के जो हमारी भजन लाल जी की सरकार है वो हमारे खिलाफ मतलब जो कार्रवाई है जो करती है, हमारी जो मतलब जो सुनती नहीं है, जो एक गूंगी बहरी सरकार है जो, तो इसके पक्ष में हमने अपना आज यहाँ पर धौलपुर जिले में धरना प्रदर्शन किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम क्या है? मैं आरती शिवर है, महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल से। दुबेपुरा के सरकारी स्कूल में भरा बरसात का पानी। बीती रात को ही जोरदार बरसात से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुबेपुरा सैपो में घुटनों तक पानी भर गया।
जिससे ऑफिस में रखा सारे रिकॉर्ड भी भीगने से खराब हो गए। वहीं पूरे स्कूल में पानी भर जाने के कारण बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। ग्रामीणों ने बताया कि पास में स्थित पोखर के ऊंचा होने के कारण बरसात का पानी स्कूल में भर गया। हालात ये हो गए कि बरसात का पानी स्कूल के ग्राउंड से लेकर क्लासरूम और ऑफिस तक में भर गया, जिससे सरकारी रिकॉर्ड भी भीगने से खराब हो गए। गुरुवार सुबह स्कूल स्टाफ और छात्र छात्रा स्कूल पहुंचे तो उन्हें पूरे स्कूल में पानी भरा नजर आया, जिसे देखकर वे दंग रह गए। अधिक पानी भरा होने के कारण बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। ग्रामीण सुनील दुबे ने बताया कि बरसात के दिनों में हर वर्ष स्कूल में पानी भर जाता है, क्योंकि स्कूल नीचे में स्थित है। इसके अलावा स्कूल की इमारत काफी पुरानी हो चुकी है, जो जर्जर अवस्था में है। वहीं बरसात का पानी भरने से स्कूल की इमारत काफी खराब हो चुकी है, ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल को किसी अच्छी जगह बनाया जाए ताकि उसमें बरसात का पानी नहीं भरे। हम जीयूपीएस दुबेपुरा से हम स्टाफ हैं, ये विद्यालय की एचएम है, ये एसएमसी अध्यक्ष एवं अन्य गांव वाले भी खड़े हुए हैं। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का भवन एकदम जर्जर हो चुका है। विद्यालय में लगभग 1.5 फीट पानी भर चुका है और विद्यालय की सभी कक्ष ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो इस मामले में मैं चाहती हूं, हमारा रिकॉर्ड भी पूरा गीला हो चुका है, तो इस मामले में मैं चाहती हूं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे तथा बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, किसी की कोई दुर्घटनाग्रस्त माहौल न बने, तो इसलिए मैं चाहती हूं प्रशासन इस ओर अपना ध्यान डाले। रही हूँ और दुबेपुरा की स्थिति ये है कि ऑफिस में भी पानी भरा हुआ है, हमारा अलमारी का रिकॉर्ड भीग गया है और कमरों में दरार आ रही है, बच्चों की कहाँ बिठा लें, कहीं एक जगह नहीं है, गेट तक पानी आ गया है और उसका फर्श बैठ गया है, ऑफिस का रिकॉर्ड सारा भीगा हो रहा है। हमें कोई ऐसा वो बताएं कि कहाँ बच्चों की व्यवस्था करें, कहाँ बिठा लें, स्टाफ सारा खड़ा हुआ है, गाँव वालों ने भी बंद कर रखा है, स्कूल में बैठने नहीं दे रहे भी निकलते हैं पानी में, और ये पोखर का पानी उल्टा रहा है, उसका स्तर ऊंचा हो चुका है, विद्यालय से जो गंदगी आ रही है, बच्चों की ये स्थिति है, क्या करें। संभागीय आयुक्त ने कैथरी व रतनपुर में की जनसुनवाई, संबंधित अधिकारियों को दिए समस्या निस्तारण के सख्त निर्देश। माह के प्रत्येक प्रथम गुरुवार को होने वाली ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई धौलपुर जिले की सैपो पंचायत समिति की ग्राम कैथरी में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संभागीय आयुक्त ने कहा कि परिवादियों द्वारा दर्ज किए गए परिवादों का प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। परिवादी राहुल ने बताया कि ग्राम पंचायत कैथरी में पीडब्ल्यूडी की स्वीकृत सड़कों पर कार्य में प्रगति नहीं हो रही है, जिस पर संभागीय आयुक्त ने उपखंड अधिकारी को अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से वस्तुस्थिति रिपोर्ट लेकर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। परिवादी जगन्नाथ प्रसाद ने बताया कि खोरपुरा में नवनिर्मित नाली अवरुद्ध है एवं नाली पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिस पर उन्होंने उपखंड अधिकारी सैपों को विकास अधिकारी के माध्यम से मामले की जाँच करा आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। वहीं ग्राम पंचायत कैथरी के निवासियों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र कैथरी पर बेड उपलब्ध नहीं है, जिस पर संभागीय आयुक्त ने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। परिवादी रघुराज ने बताया कि उसने अपने विच्छेदित विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि किस्तों में चुकाने के लिए कार्यवाही शुरू की है। इस पर संभागीय आयुक्त ने विद्युत विभाग को कनेक्शन शुरू करने के निर्देश देते हुए मामले का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अगले क्रम में संभागीय आयुक्त पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत रतनपुर में जनसुनवाई के लिए पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान परिवादी अशोक ने मनरेगा के तहत रोजगार दिलाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर संभागीय आयुक्त ने मौके पर ही जॉब कार्ड बनवाकर परिवादी को सुपुत्र किया। परिवादी पुष्पा ने बताया कि उन्हें विगत वर्ष से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि प्राप्त नहीं हो रही है, जिस पर उन्होंने उपखंड अधिकारी सैपो को प्रकरण की जाँच कराकर परिवादी को राहत पहुँचाए जाने के लिए निर्देशित किया। परिवादी नत्थी सिंह परमार ने बताया कि पार्वती बांध की मुख्य नहर से ग्राम मनसापुरा से नगला रायजीत की पुलिया तक नहर के दोनों ओर सीपेज होने के कारण फसल खराब होती है, जिस पर उन्होंने अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग को प्रकरण की जांच कर त्वरित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को परिवादों के समाधान के लिए दिए गए निर्देशों का पालना रिपोर्ट भेजने के लिए पाबंद किया तथा परिवादियों को उनकी समस्या पर हुई विभागीय कार्यवाही का लिखित जवाब देने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा, एसईओ सीस राम यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयंती लाल मीणा, डीडी आईसीडीएस भूपेश गर्ग सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। परिवादों का संवेदनशीलता के साथ करें निस्तारण, श्रीनिधि बीटी।
जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि पीजी ने गुरुवार को धौलपुर जिले के उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत चिलाचौंद के ग्राम रनपुरा में जनसुनवाई की। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले परिवादों का संवेदनशीलता के साथ समाधान का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि लोगों को सही जानकारी देकर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाए, साथ ही परिवादों का सहानुभूतिपूर्वक निस्तारण किया जाए। ग्रामीणों द्वारा ग्राम रनपुरा से हल्लिकापुरा को नेशनल हाईवे 11B से जोड़ने वाली सड़क तथा मंडपुरा को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क के क्षतिग्रस्त होने का परिवाद दायर किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रामबक्स का पुरा में तालाब की पाल के मरम्मत का परिवाद दिया। जिला कलेक्टर ने पाल के मरम्मत कार्य मनरेगा से करवाने के लिए प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। मंडपुरा में आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। रनपुरा में अधूरे पड़े सामुदायिक भवन का कार्य पूर्ण करवाने के भी निर्देश दिए। साथ ही रनपुरा में नाला निर्माण करने के भी निर्देश दिए। एक व्यक्ति द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा बिजली समस्या की शिकायत पर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 23 प्रकरण प्राप्त हुए। जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि पीटी ने जनसुनवाई के दौरान पौधरोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर राज्य भर में सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। जिले में भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। सभी नागरिक इस सघन वृक्षारोपण अभियान में अपनी भूमिका निभाते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर बड़े होने तक सार उनकी सार संभाल का संकल्प लें। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम बिक्की बाबू की कोठी के सामने पुलिस चौकी के बगल में कोठी धौलपुर। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सुसज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय जीव विज्ञान गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667067607। स्थायीकरण की मांग को लेकर मैटों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के मनरेगा मैट संघ राजाखेड़ा के विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर को मैटों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य मांगों में मनरेगा में वर्ष 2008 में मैट लगातार कार्य कर रहे हैं, उन्हें अनुभव का लाभ देते हुए संविदा कर्मी या स्थायी किया जाए, क्योंकि मनरेगा में लगे कनिष्क, सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर आदि भी मनरेगा मैटों के साथ लगाए गए थे, जिन्हें राज्य सरकार ने स्थायी करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने मांग की है कि इस प्रकार मैटों को भी अनुभव का लाभ देते हुए संविदा कर्मी या स्थायी किया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला कोषाध्यक्ष उमेश सोलंकी, केशव सिंह, रामदत्त, रविंद्र होरन सिंह, लोकेश आदि मैट साथी मौजूद रहे। बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में इन दिनों उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में विद्युत तंत्र पूरी तरह से फेल है। लोगों को ऐसी गर्मी के समय में सही समय पर लाइट नहीं मिल पा रही है। बिजली की अघोषित कटौती से परेशान होकर गुरुवार को कॉलोनी वासियों ने संभागीय आयुक्त के नाम बसेड़ी उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी वासियों ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि नया आवास जाटा बस्ती में लंबे समय से बिजली नहीं आ रही है। काफी प्रयास करने के बावजूद कुछ समय के लिए लाइट देने के उपरांत लाइट को काट दिया जाता है। पूछने पर केवल
एवं खम्भों के अभाव का हवाला दिया जाता है। बिजली की सेवा में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। बस्ती में ही टावर होने के कारण टावर की सप्लाई चालू कर दी जाती है, जबकि बस्ती को बिजली की सप्लाई से वंचित रखा जाता है। लोगों का कहना है कि बिजली की लाइन एक होते हुए भी यहां पर दो व्यवहार क्यों किया जाता है। विद्युत विभाग के AEN एवं JEN दोनों ही जनता की शिकायत की सुनवाई नहीं करते हैं। इस बस्ती में दो तेल मिल होने के बावजूद भी विभाग ने अलग से ट्रांसफार्मर नहीं रखवाया है। दिए गए ज्ञापन में कॉलोनी वासियों ने संभागीय आयुक्त से कॉलोनी में अलग से ट्रांसफार्मर रखवाने एवं विद्युत की समस्या के समाधान की मांग की है। बिजली का तार टूटकर ऊपर गिरने से भैंस की मौत। धौलपुर जिले के बसई डांग में बुधवार को खेतों में चरने गई एक भैंस के ऊपर टूटकर बिजली का तार गिर पड़ा, जिससे भैंस करंट की चपेट में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार महेश पुत्र महताब सिंह गुर्जर निवासी बसई डांग की भैंस 31 जुलाई 2024 को सुबह खेतों में चारा खाने गई थी। इस दौरान बिजली का तार टूटकर भैंस के ऊपर गिर पड़ा, जिससे भैंस की मृत्यु हो गई। घटना को लेकर पीड़ित भैंस मालिक महेश गुर्जर ने बसई डांग थाना पुलिस को शिकायत की है, साथ ही सरकार से मुआवजा देने की गुहार लगाई है, जिसमें बताया गया है कि वह गरीब पशुपालक है जो इस भैंस का दूध बेचकर ही अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, जिसकी विद्युत करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। ऐसे में उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। घर के सामने से चोर उड़ा ले गए ट्रैक्टर व रोटावेटर, ग्राम सहकारी समिति का चोरी हुआ है ट्रैक्टर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे से चोर बुधवार बीती रात्रि को एक घर के सामने से ट्रैक्टर को रोटावेटर सहित चुरा ले गए। ट्रैक्टर चोरी की है पूरी घटना पीड़ित के ही घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस प्रकार बाइक सवार तीन चोर आए और किस प्रकार घर के सामने रख ट्रैक्टर को चालू करके ले गए। घटना बीती रात्रि करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित व्यक्ति जब रात्रि में कुछ आवाज सुनकर जागा और बाहर आकर देखा तो घर के सामने ट्रैक्टर नहीं दिखाई दिया, जिससे उसे आवाज हो गया कि ट्रैक्टर चोरी हो गया है। उसके तुरंत बाद उसने अपने घर में लगे CCTV कैमरे में घटना को देखा और 100 नंबर पर घटना की जानकारी दी। मनिया कस्बा निवासी ग्राम सहकारी समिति बिरोंधा के व्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार शर्मा के घर के सामने रखा समिति का ही ट्रैक्टर चोरी हुआ है। समिति के व्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार बीती रात करीब 1:30 बजे की है घटना है। ट्रैक्टर को चुराते समय अचानक आवाज हुई, जिस पर जाकर बाहर पहुंचा, लेकिन तब तक चोर ट्रैक्टर को लेकर हाईवे पर पहुंच गए और ट्रैक्टर को ले गए। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह पूरी घटना को लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी है। इसके बाद अपने स्तर पर भी घटना को लेकर जानकारी की। इसके बाद गुरुवार शाम को किसी ने सूचना दी कि मनिया क्षेत्र के गांव खारपुरा के पास रोटावेटर पड़े हुए हैं, जिस पर मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी है। सूचना पाकर मौके पर मनिया थाना पुलिस पहुंची और खोरपुरा गांव के पास पड़े रोटावेटर को देखा और मौका मुआयना किया है। घटना को लेकर मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। नुनहेरा गांव में घुसा पेंगोलियन, भयभीत हुए लोग। धौलपुर जिले के सेपो क्षेत्र के नुनहेरा गांव में बुधवार रात्रि को एक जंगली जानवर रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसे देखकर लोगों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी रही। काफी संख्या में लोग मौके पर एकजुट हो गए और जंगली जानवर को देखने के लिए लोग तमाशबीन बने रहे। ग्रामीण संतोष शर्मा ने बताया कि जैसे ही गांव में घरों की ओर एक अजीब किस्म का जंगली जानवर दिखा तो कुछ समय के लिए लोग उसे देखकर भयभीत हो गए, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। कुछ समय बाद यह जानवर एक घर के अंदर छुप गया। गुरुवार सुबह मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के द्वारा जंगली जानवर को रेस्क्यू किया गया तथा उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया है। वनकर्मी गोपाल सिंह परमार ने बताया कि गांव में रात्रि को निकला पेंगोलियन नाम का जंगली जानवर था, जो कि बहुत ही शर्मीला और सीधा किस्म का जानवर है। वह चींटी और दीमक खाकर अपना पेट भरता है। पेंगोलियन को रेस्क्यू करने के बाद जंगलों में ले जाकर सकुशल छोड़ दिया है। मेरा नाम विक्रम सिंह है, गांव नुनहेरा है, तहसील सेपू, जिला धौलपुर। ये रात्रि को कुत्ता इसको भगा के लाए है। आवाज हुई है जब हम जागे हैं, जब से यही है ये। और न्यूज वगैरह को मीडिया वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं। कीचड़ जलभराव से परेशान छात्र, शिक्षक व ग्रामीण, प्रशासन से की समस्या समाधान की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र की पिदावली ग्राम पंचायत के नंदपुरा गांव से नीमखेड़ा जाने वाले कच्चे रास्ते में कई दिनों से जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
आलम यह है कि स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक रोजाना कीचड़ और गंदे पानी के बीच से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत सरपंच सुध नहीं ले रहे हैं। पिछले कई सालों से यह स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मुख्य रास्ते से गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जलभराव की स्थिति बनी रहती है, जिसमें दोपहिया चालक कई बार गिरने से चोटिल हो चुके हैं। रास्ते को पक्का करवाने एवं पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर पंचायत प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन ध्यान नहीं देने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करने से आक्रोश बना हुआ है। मामले को लेकर ग्रामीण, छात्र और स्कूल स्टाफ ने प्रशासन से उनकी समस्या का समाधान कराने की मांग की है। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं नंदिता का रहने वाला हूँ। स्कूल से आने जाने के लिए बहुत समस्या रहती है। नीम खेड़ा स्कूल पढ़ने जाते हैं और रास्ते में बहुत पानी भरा हुआ है। बैग बैग गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ। मेरा नाम दाऊदार प्रजापति सनोप श्री शिव सिंह प्रजापति, ग्राम नंदपुरा पिदावली से। हमारे गांव में नंदपुरा से और नीमगढ़ा तक के रास्ते में इतनी बिकट समस्या बनी हुई है कि बच्चों को स्कूल में आने जाने में बड़ी समस्या होती है। अब बताओ, प्रशासन से गुहार करते हैं या मांग करते हैं कि हमारे रास्ते की ज्यादा से जल्दी कार्रवाई की जाए। बच्चों का भविष्य अंधकार में बना हुआ है, पढ़ने के जाते नहीं है और जाते हैं तो गिर जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहां स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने, धौलपुर एवं ऋषिव कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। बारहवीं पास महिलाएं घर बैठे करें एक वर्षीय डिप्लोमा और पाए आंगनबाड़ी एवं बाल वाटिका में नौकरी। सरकार द्वारा संचालित संस्थान से एक वर्षीय ECCE एजुकेटर डिप्लोमा सस्ती फीस में करने के लिए संपर्क करें। युवा शिक्षण संस्थान, पता अयोध्या कुंज कॉलोनी के सामने, सैपू रोड, धौलपुर। डायरेक्टर अच्छा शुक्ला। मोबाइल नंबर 8949172540। हमारे यहाँ PGDCA, BCA, MCA, योगा टीचर ट्रेनिंग, फायर एंड सेफ्टी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग आदि कोर्सेज भी कराए जाते हैं। 100% जॉब की गारंटी। रोजगार के लिए 202 आशार्थियों का हुआ प्रारंभिक चयन। जिला रोजगार अधिकारी रघुवीर सिंह मीना ने बताया कि गुरुवार को जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार कार्यालय धूलकोट में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उमेश सिंह, TVS पावर सप्लाई, हुकुम सावंत, इनवे सोर्स, आलोक कुमार स्मार्ट स्टाफ, VN श्रीवास्तव, हरीश शर्मा RECL, NK शर्मा भोले बाबा मिल्क फूड, दीनानाथ शर्मा भारतीय जीवन बीमा निगम आदि ने अपने अपने विभागों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर में लगभग 515 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया, जिसमें स्मार्ट स्टाफ ने 55, TVS ने 20, इनोव सोर्स ने 60, भोले बाबा मिल्क फूड ने 34, RECL ने 10, भारतीय जीवन बीमा निगम ने 23 बेरोजगारों का प्रारंभिक चयन किया। शिविर में रोजगार के लिए 202 आशार्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया। मांगों को लेकर डीलरों ने बंद किया राशन का वितरण। मशीनों को एक जगह रख SDM को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के राशन डीलरों ने गुरुवार को धौलपुर जिला कलेक्टर के नाम बाड़ी SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राशन डीलरों की पिछले महीने प्रदेश के मुख्यमंत्री से हुई वार्ता और सौंपे गए 9 सूत्रीय मांग पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आज 1 अगस्त से बाड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र की राशन मशीनों को एक स्थान पर रखते हुए राशन वितरण बंद कर दिया है। डीलरों ने आरोप लगाया है कि ना तो सरकार ने ना ही खाद्य विभाग ने उनकी किसी भी समस्या और मांग पत्र पर कोई ध्यान दिया है। ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं होने पर मजबूरन राशन वितरण की व्यवस्था को ठप किया गया है।
बाड़ी ब्लॉक राशन डीलर संघ के अध्यक्ष विजय सिंह मीणा के नेतृत्व में राशन डीलर रमाकांत शर्मा, रघुवीर आसाराम बनवारी, रविंदर अमर सिंह, बाबूलाल मुकेश, प्रकाश शर्मा, राहुल समाधिया, अनिल अशोक, राकेश मुकेश, गिरिराज शर्मा, नवाब सिंह सहित अन्य राशन डीलरों ने जिला कलेक्टर के नाम SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया है कि विगत महीने मुख्यमंत्री ने जो उनसे वार्ता की थी और 9 सूत्रीय मांग पत्र लिया था, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, न ही खाद्य विभाग ने उनकी किसी समस्या का समाधान किया है। ऐसे में आज गुरुवार को सभी राशन डीलरों ने अपने काम को बंद कर दिया है और मशीनों को एक स्थान पर सुरक्षित रखते हुए राशन वितरण रोक दिया है। साथ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है। उनकी मांगों में प्रत्येक राशन डीलर को प्रतिमाह 30,000 रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा, गेहूं पर 2% छीजत दी जाए क्योंकि FCI से जो गेहूं आता है उसकी तौल कम बैठती है, 6 महीने से राशन विक्रेताओं का केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला कमीशन प्राप्त नहीं हुआ है, उसे जल्द दिलाया जाए, आधार सीडिंग की राशि प्रवासी योजना के तहत वितरण कराए गए गेहूं का कमीशन और EKYC की सीडिंग का लंबित चल रहा मेहनताना दिलाने आदि शामिल है। इस मौके पर ज्ञापन के दौरान राशन डीलर धर्मेंद्र, सुनील कुमार, रामेश्वर, रविंद्र सिंह भूरा, राजन सिंह, जय सिंह, सोमू, नवाब सिंह, बाबूलाल, अतर सिंह, अग्रसेन आदि ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो राशन का वितरण लगातार बंद रखा जाएगा। आज अपने एचडी साहब को ज्ञापन दिया, पिछली सरकार से भी हमने हमारी मांग रही थी कि हमें मासिक मानदेय दिया जाए, लेकिन उस सरकार ने भी नहीं दिया और इस सरकार के बजट में भी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो 31 तारीख तक हमने सरकार से मांग रखी थी कि यार हमारा जो बकाया कमीशन को दिया जाए, अगर नहीं देते तो हम 1 तारीख से पूर्ण रूप से हड़ताल पर जाएंगे, एक जगह मशीन बंद करके हम आज से हड़ताल स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह जी नाम, बाड़ी। हमारी सबसे बड़ी पुरानी मांग है 30,000 मानसिक मानदेय की, जो हमने बरसों पुरानी चली आ रही है, आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। और हमारी मेन मांग है 30,000 मासिक मानदेय एवं 2% छीजक, जो कि FCI से आने में जो कमी होती है वो पूर्ति करने में बहुत ही समस्या आती है। और हमारा विगत महीनों से बकाया कमीशन जो आज तक हमको हमने उपलब्ध नहीं हुआ है, जैसे कि जो कि खाद वितरण व्यवस्था एवं राशन किट का कमीशन अभी तक मिला है, जो एक आधार सीडिंग और जो KYC कराई गई है जिसका 150 रुपये प्रति हिसाब से जो सरकार मित्रों को दे रही थी, जो आज तक हमको एक भी पैसा उपलब्ध नहीं कराया है। इन सूत्री मांगों को लेकर हमको आयोग ज्ञापन दिया। क्या नाम आपका? त्रिलोचन पंचल चौधरी। ग्रामीणों ने BEOC की शिक्षकों की शिकायत सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सागौर में तैनात शिक्षकों की शिकायत को लेकर ग्रामीणों द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि स्कूल में तैनात शिक्षकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई नहीं कराई जा रही, स्कूल समय में देरी से अध्यापक आते हैं, साथ में मोबाइल का उपयोग करने के साथ अभिभावकों को संतोषपूर्ण जवाब तक नहीं देते। ऐसे में ग्रामीणों ने तैनात शिक्षकों को बदले जाने की मांग की है। बाड़ी ब्लॉक के सागौर गांव निवासी ग्रामीण निरंजन सिंह, मनोज, बादल, राजकेश, राजेश, राहुल, घनश्याम, लोकेश, हरविलास, राम सिंह, मुकेश और तारा सिंह के साथ एक दर्जन से अधिक संख्या में आए ग्रामीणों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात शिक्षा अधिकारी सुरेश भारद्वाज को बताया कि सागौर गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो टीचर तैनात है वह ना तो ठीक समय पर स्कूल आते हैं, ज्यादातर समय स्कूल में मोबाइल का उपयोग करते हैं, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप है। जब अभिभावकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर टीचरों से कहा जाता है तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। ऐसे में ग्रामीणों को अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता सता रही है और समस्या को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कार्यवाही करने और स्कूल में तैनात शिक्षकों को बदलने की मांग की है। ग्रामीण युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उक्त मामले को लेकर शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की तो वह उपखंड प्रशासन और जिला कलेक्टर को भी अपनी समस्या से अवगत कराएंगे और शिक्षा मंत्री तक मामले की जानकारी देंगे। मैं गांव सागर का निवासी हूं। हमारे गांव में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा पूरी तरह से डगमगा गई है। टीचर आते हैं, टाइम से नहीं आते हैं, लंच से पहले लंच करते थे, 2-2 घंटे का शिक्षकों का लंच रहता है, कोई पढ़ाई नहीं होती और टीचर आते हैं मोबाइल चला के और छुट्टी करके चले जाते हैं। हम एक टीचर है भावना मीणा, उसको चयन करवाना चाहते हैं। आज हमने CBO साहब को ज्ञापन दिया है, अगर हमारी बातें पर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे शिक्षा मंत्री तक जाएंगे।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय सागर सागर का मैं। गायों की सेवा के लिए समर्पित है गौ सेवक लोकेश तिवारी। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा पूर्ण समर्पित भाव से गायों की सेवा की जा रही है। ऐसे गौ सेवक लोकेश तिवारी की आमजन में काफी चर्चा है। सोशल मीडिया के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी काफी पब्लिसिटी मिल रही है। किसी भी जगह से घायल गौवंश की सूचना मिलते ही यह तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और घायल गौवंश को बसई नवाब मार्ग स्थित ओवरब्रिज के समीप श्री वैभव गौशाला सेवा संस्थान के नाम से संचालित गौशाला में ले जाया जाता है, जहां चिकित्सा टीम के सहयोग से घायल गौवंश का पूर्ण स्वस्थ होने तक उपचार किया जाता है। इसके साथ ही मरने वाले गौवंश का पूर्ण विधि विधान के साथ उनको दफन भी कराया जाता है। इतना ही नहीं, गौ सेवक लोकेश तिवारी के द्वारा घायल गौवंश की सेवा करने के साथ साथ उनके लिए चारे का भी उचित प्रबंध किया जाता है। वहीं बछड़ों को बच्चों की तरह निप्पल से दूध पिलाते देखना काफी दिलचस्प है। ऐसे गौ सेवक लोकेश तिवारी की आमजन में भारी सराहना हो रही है। दरअसल क्षेत्र भर में आवारा गौवंश को लेकर आमजन काफी परेशान बना हुआ है। किसानों की फसल में नुकसान करने के अलावा यह गौवंश सड़कों पर आए दिन लोगों को हादसे का शिकार कर रहे हैं। वहीं सड़कों पर वाहनों की चपेट में आकर यह खुद भी घायल हो रहे हैं। उन्होंने अब तक करीब 100 गौवंश को लोगों की सूचना पर अपनी गौशाला में ले जाकर उनका उपचार किया जा रहा है। गौ सेवक लोकेश तिवारी ने बताया कि वे पशुओं से काफी प्रेम करते हैं। गौ सेवा परम धर्म। गौवंश की दुर्दशा को देखते हुए यह सेवा भाव के लिए वह आगे आए हैं। सेपो से फर्स्ट ट्रैक के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हाँ बताएं, गौ सेवा को लेकर के आजकल अपन रोड पर देख रहे हैं कि घायल गौवंश पड़ी रहती हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनके देख रेख के लिए कोई आगे नहीं आता है। ये सब देखकर हमने एक नई गौशाला का नवीनीकरण किया है जो खिरागढ़ रोड पर श्री वैभव गौशाला सेवा संस्थान के नाम से है, जहाँ पर हमारे पास कहीं से भी सैंपू क्षेत्र से कॉल आता है, हम अपनी टीम को मौके पर भेजते हैं और टीम मौके पर जाकर गाड़ी के माध्यम से गौशाला लेकर आती है और उसका उपचार किया जाता है और उसके रहने खाने की सब व्यवस्था की जाती है। हमारी गौशाला तीन बिंदुओं पर काम कर रही है। नंबर एक है, जो भी गौ माता बीमार या घायल अवस्था में हमारे पास आती है उसका हम उपचार करते हैं और अपनी गौशाला में रखते हैं। नंबर दो, अगर कोई व्यक्ति अपनी गौ माता को रोड पर न छोड़ने की बजाय हमारी गौशाला में छोड़ सकता है। नंबर तीन, अगर कोई गौ माता अपने छोटे बच्चे के साथ रोड पर घूम रही होगी तो उस गौ माता को हम अपने पास ले आते हैं। किस तरह से कॉल आता है सोशल मीडिया के माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास कॉल आते हैं। हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर अपना नंबर डाल रखा है, जहाँ से लोग देखते हैं और हमारे पास कॉल करते हैं। करीब कितने पशु अब तक आपने अपने यहाँ ले आए? हमारे पास अभी तक 100 पशु अवेलेबल हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। कुछ पशु ऐसे भी होंगे ठीक हो गए होंगे? हाँ, कुछ ठीक है, उनमें कुछ उपचार जारी है उनका। ठीक होने के बाद आपने छोड़ दिया फिर वो? नहीं, हम अपने पास ही रखते हैं गौशाला में। तेज रफ्तार कार की टक्कर से आवारा सांड की मौत, कार सवार भी हुए गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बसेड़ी मार्ग पर नादनपुर मोड़ के पास एक तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू हो गई और एक सांड से टकरा कर चार पलटा खा गई। इस दौरान सांड की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार बीती रात 11 बजे के करीब की बताई जा रही है। तेज आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और कार से दो व्यक्तियों को बाहर निकाला जो गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के लिए सीएचसी बसेड़ी रवाना कर दिया। घटना इतनी भयानक थी कि एक बार तो लोगों को ऐसा लगा कि कार सवार लोगों ने दम तोड़ दिया, लेकिन गनीमत रही कि दोनों कार सवार घायल हुए थे। लोगों का कहना है कि आए दिन आवारा सांडों की वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं। कई बार लोगों ने इसकी शिकायतें विभागीय उच्च अधिकारियों से की हैं, लेकिन विभाग की ओर से इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसलिए ऐसी घटनाएं हर रोज देखने को मिलती हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण में विभिन्न पदों पर मांगे आवेदन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के अधीनस्थ कार्यालय लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम धौलपुर के पदों पर अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव ने बताया कि लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के पदों के लिए अपेक्षित योग्यता रखने वाले अधिवक्तागण डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के 3 पद व असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के 4 पद व कुल 7 पदों के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ 14 अगस्त तक शाम 5 बजे तक ईमेल, डाक अथवा व्यक्तिगत आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
छात्र छात्राओं को बताई गुरु महिमा की महत्ता। गुरुवार को धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान की बसेड़ी इकाई के तत्वाधान में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमजद फातिमी ने की। कार्यक्रम का संयोजन इकाई सचिव पवन कुमार प्रजापत सहायक आचार्य ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हरेंद्र सिकरवार जिला शारीरिक शिक्षा प्रमुख और गणेश लाल खंड कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जो गुरु का सम्मान है वह विश्व में कहीं भी नहीं है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ अंधकार से निष्क्रमण करना होता है, अर्थात अज्ञानता से बाहर निकलना है। अरिदमन सिंह सहायक आचार्य हिंदी ने अपने वाक्यांश में तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान सुनाया और कहा कि गुरु शिष्य को जीवन पर्यंत सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्राचीन काल में गुरु निस्वार्थ भाव से शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। पवन कुमार प्रजापत सहायक आचार्य भूगोल ने बताया कि वर्तमान समय में गुरु शिष्य संबंध पश्चिमी संस्कृति में सिर्फ भौतिकता पर आधारित है, जबकि भारतीय संस्कृति में भौतिकता के साथ नैतिकता पर आधारित है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के इकाई सचिव पवन कुमार प्रजापत सहायक आचार्य भूगोल ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर नवीन धाकरे सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अविनाश वशिष्ठ, रिहान खान, श्री निवास वर्मा, अनवर एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। महिलाओं को दी नए कानून व विभिन्न योजनाओं की जानकारी। सामुदायिक सहभागिता सप्ताह के तहत कार्यशाला आयोजित। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित 100 दिवसीय संकल्प अभियान अंतर्गत धौलपुर जिले में आयोजित किए जा रहे सामुदायिक सहभागिता सप्ताह का आयोजन महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र बाड़ी कोतवाली की वार्षिक कार्यशाला के साथ सनसाइन कॉन्वेंट विद्यालय अग्रसेन बिहार बाड़ी में आयोजित किया गया। महिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से पुलिस थाना बाड़ी में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र को ग्रामीण सेवा संस्थान धौलपुर द्वारा संचालित किया जा रहा है। अध्यक्षता करते हुए सहायक निदेशक विश्वदेव पांडे द्वारा नवीन क्रिमिनल लॉज घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम के साथ IEM शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की जानकारी देते हुए अधिकाधिक महिलाओं को शिक्षा सेतु एवं अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की अपील की। थाना अधिकारी पुलिस थाना बाड़ी शिवलहरी मीणा द्वारा मोबाइल के उपयोग में सावधानी बरतने का संदेश देते हुए सभी महिला सुरक्षा सखियों से अपने पास थाना अधिकारी, HM बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और बीट कांस्टेबल के नंबर रखने के निर्देश दिए। अतिरिक्त CBEO कल्याण सिंह मीणा द्वारा ब्लॉक के विद्यालयों में महिला सुरक्षा की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। जेंडर स्पेशलिस्ट कनुप्रिया कौशिक द्वारा संकल्प अभियान और महिला संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति ब्रजेश मुखरिया द्वारा महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण पर भावुक उद्बोधन दिया। बाल अधिकारिता के ORW योगेश शर्मा द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया गया। MSS के काउंसलर एडवोकेट संध्या भरद्वाज द्वारा केंद्र की कार्यप्रणाली समझाई गई। कार्यक्रम का संचालन काउंसलर आरती भरद्वाज द्वारा किया गया। मौके पर ही विद्यालय में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण की आंतरिक समिति, चाइल्ड राइट्स क्लब और प्रहरी क्लब का गठन किया गया। कार्यक्रम में सुपरवाइजर अर्चना शर्मा, संस्था प्रधान सागर बंसल, स्वास्थ्य विभाग से सोनू मीणा, महिला अधिकारिता विभाग की बाड़ी ब्लॉक की साथिन, स्कूली छात्राएं, शिक्षिकाएं, स्थानीय महिलाएं आदि उपस्थित रहीं। कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाया विशाल भंडारा। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में बोधपुरा बिजली घर के सामने भोले बाबा के भक्त द्वारा 5 दिन से लगातार कांवड़ियों के लिए विशालकाय भंडारा आयोजित किया जा रहा है। इस भंडारे में कांवड़ियों के विश्राम से लेकर भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। इसमें व्रत वाले कांवड़ियों के लिए फलाहार की भी उचित व्यवस्था की गई है। इस भंडारे के मुख्य प्रायोजक धर्मेंद्र सक्सेना, मुख्य संयोजक रजत सक्सेना एवं अन्य कार्यकर्ताओं में भानु सक्सेना, प्रशांत सक्सेना, आकाश सक्सेना, सचिन तेनागुरिया, कुलदीप त्यागी, प्रदीप सक्सेना, राहुल पंडित, गौरव राजपूत, मयंक शर्मा, सुनील राजपूत आदि भक्तगण अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आयोजन की जानकारी देते हुए रजत सक्सेना ने बताया कि सावन का महीना सबसे पवित्र महीना है, इसमें जितनी मानव सेवा की जाए उतनी कम है। इसी प्रण को लेकर 5 वर्ष से प्रतिवर्ष लगातार कांवड़ियों की सेवा के लिए इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है।
धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।